दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ट्राइसेप की कंडीशन। और ये हमारा बाइसेप, देखिए बाइसेप पूरा पूरा तरह से पीक बन चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं जोविंद, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। आज हम जिम में वर्कआउट करेंगे दो मसल्स का, पहला बाइसेप, दूसरा ट्राइसेप। देखिए 0-0 पे मैंने शुरू कर दिया। मैंने वार्म अप कर लिया है बॉडी को, आप देख सकते हैं हल्का हल्का वार्म अप हो गया है। अभी हम करेंगे सुपर सेट बाइसेप कर्ल के द्वारा। इसमें 3 सेट करेंगे, एक सेट के अंदर टोटल 25 रेप होंगे। सो अभी आप इसको देखिए फॉर्म को और कीजिए। ओके, सीधा एक, तो अब आप देख सकते हैं कि शोल्डर से एल्बो तक मैंने सीधा रखा है हाथ, और उसके बाद में जो है एल्बो से रिस्ट और अपने फिंगर की मदद से मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, बॉडी को हो सके तो ज़्यादा लंजिंग ना दें। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अभी जिग जैग बार लिया है, यानी इसको डब्ल्यू बार भी बोलते हैं। इससे भी हम 25 रेप लगा रहे हैं, यानी कि सुपर सेट है, इसमें रेस्ट नहीं है। इसमें भी आप देखिए बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ज़्यादा लंजिंग नहीं देना है। तो अपने आइडियल वेट के साथ आइडियल रेप को अचीव करें और आराम से बॉडी बनाएं। तो आप देख सकते हैं वेंस पूरी निकल गई है एकदम से, पूरा बाइसेप मेरा जो है पंप हो गया है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमने सुपर सेट के रूप में की। सुपर सेट में यानी दो एक्सरसाइज को मिक्स करके पर्टिकुलर एक मसल्स की एक्सरसाइज करने को सुपर सेट कहते हैं। टोटल हमने 3 सेट मारे हैं इसके और रेपिटेशन रखी है 25, और हमने वेट को आइडियल रखा है जिस वेट के अंदर हमारा 25 रेप जाने पर मसल फेलियर को हम अचीव कर सके। तो यहां पर हमारे बाइसेप का वर्कआउट खत्म होता है। अब हम करेंगे ट्राइसेप के जॉइंट सेट। तो उसके लिए मैं पहले तैयार कर लेता हूं और आपको स्किप करता हूं। तो दोस्तों हमने सेट तैयार कर लिया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है, वो कंटिन्यूअसली है, बीच में तीनों एक्सरसाइज के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। और जॉइंट सेट कंप्लीट होने के बाद हम 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो है एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जिग जैग बार ले लिया है, और थोड़ा मेरा एल्बो को देखिएगा पीछे की तरफ झुका हुआ है, जिससे कि पूरा कंसंट्रेशन मेरा ट्राइसेप पर आए। तो आप भी इसी फॉर्म को करिए, करने से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने क्लोज ग्रिप पकड़ लिया है। तो अभी ई जेड बार को एक क्लोज ग्रिप पकड़ने के बाद, इस एक्सरसाइज का नाम है क्लोज ग्रिप ई जेड बार प्रेस। इसके हम टोटल 3 सेट करेंगे, और हर सेट के अंदर 12 से 15 रेप रहेंगे, और हमें हमारे फेलियर तक जाना है। आइडियल वेट के साथ हमें फेलियर तक जाना है, तो जिससे कि हमारे मसल जल्द से ट्रेंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें पुशअप पोजीशन में आ गया हूँ। बस इसमें इतना है कि आपको एल्बो जो है ज़मीन पर टच करना है, और एल्बो को पुश करते हुए ऊपर आना है, और ट्राइसेप से कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने बॉडी को। इसका नाम है बॉडी अप, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। इसमें 3 सेट होंगे, और रेप रेंज रहेगी 15 to 18। ये भी रेप रेंज हमेशा मायने रखती है आपके फेलियर तक। तो दोस्तों आपने देखा 3 एक्सरसाइज
मिलाकर हमने जॉइंट सेट बनाया है। सांस फूल रही है लेकिन कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के दौरान सांस फूलती है क्योंकि हम हमारा स्ट्रीम लेवल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मसल पूरी तरह से ट्रेंड हो। तो 30 सेकंड का रेस्ट करने के बाद दोबारा सेट शुरू करते हैं। सेटअप नीचे से ऊपर कर रहे हैं इसलिए बार बार हम वीडियो को स्किप कर रहे हैं। तो सेकंड सेट शुरू करते हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ, दोस्तों बहुत दम लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना है क्योंकि आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो। और भाई एक्सरसाइज करेंगे तो दम तो लगेगा, सांस फूलेगी, ये नॉर्मल है। हो सकता है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा भी आदमी होगा जो जितना भी काम करे उसकी सांस नहीं फूलती होगी। भाई हमने तो नेचुरल बॉडी बनाई है, किसी प्रकार का कोई सप्लीमेंट वप्लीमेंट नहीं लिया है, बस मेस के खाने से ही देखिए पूरा बॉडी पंप हो गया है। तो अभी नेक्स्ट सेट करते हैं, लास्ट हमारा। तो यहाँ पर हमारा पहले हमने बैक का किया, बाइसेप का किया था, अभी हमने किया है ट्राइसेप का। पहले बाइसेप का सुपर सेट, देन ट्राइसेप का हमने जॉइंट सेट किया है। तो यहाँ पर हमारे 3 सेट ट्राइसेप के कंप्लीट होते हैं। तो अब हम वीडियो को स्किप करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो है सेटअप को तैयार करेंगे वो है बाइसेप का सुपर सेट। तो हमारा सेट तैयार हो गया, सेट शुरू करते हैं। पूरे
अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज का नाम है फ्लोर कर्ल, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या है कि रेंज ऑफ मोशन पूरा बाइसेप का एक्सटेंड हो जाता है, तो इस एक्सरसाइज से आपका साइज़ जो है गेन होगा। तो आप इसको सही तरीके से, सही फॉर्म में और सही आइडियल वेट के साथ अगर आप इसको अचीव करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है डोला सोलह का डोला हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पूरा लेट के नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं जो हमने इधर बना रखा है। तो आपको इसी प्रकार से बेंच पर लेटना है और सीधा अपना जो है बारबल जो है उसको सिर के पीछे लेके आना है और आपको बाइसेप को पूरा एक्सटेंड करना है, जिससे कि आपका बाइसेप का शॉर्ट हैंड एवं लॉन्ग हैंड दोनों ही लॉन्ग हेड दोनों ट्रेंड हो। पूरा स्ट्रेच करना है। यहाँ पर हमारा दूसरा सेट कंप्लीट होता है। हम हर एक सेट के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जगह एक से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार वीडियो को स्किप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हो सकता है वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर इन एक्सरसाइज से मुझे बेनिफिट मिला है तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में उतने रिपीटेशन तक जाएं। आइडियल वेट को अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, वेट को सही रखिए और उसी वेट को अपने आइडियल रेप तक ले जाएं। जब आपका आइडियल रेप आपको अचीव होने लगे उसके देन बाद आप अपना वेट को इंक्रीज कीजिए। तो एक बार वीडियो को रोकता हूँ जिससे नया सेट की तैयारी कर सके। तीसरा सेट शुरू करते हैं। वेंस देख लीजिए, पूरा वेन निकलने लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेट को जल्द से जल्द करते हैं, अपनी जगह पे तैनात हो जाएं। यहाँ पर जो है हमारा बाइसेप का सुपर सेट कंप्लीट हुआ। 3 सेट हमने किए, रेपिटेशन वही 15, 12, 10। इसमें मैं मेरे आइडियल वेट को लेते हुए अपने आइडियल रेप को अचीव कर रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए वेंस
निकल गई है, पूरा बॉडी पंप हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, ट्राइसेप। तो ट्राइसेप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वीडियो को सेट करना पड़ेगा। ट्राइसेप का हम करेंगे जॉइंट सेट। जॉइंट सेट का मतलब होता है तीन एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको पहले बताया है, और मेरे व्यूवर्स वेरी स्मार्ट है, एकदम इंटेलिजेंट है, वो एक बात को एक ही बार में पकड़ लेते हैं। तो डोंट वरी, अभी हम करेंगे तीन, इसमें भी तीन एक्सरसाइज है, तीन एक्सरसाइज मिलाकर हम इसका जॉइंट सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा सेटअप कर लेता हूँ, उतनी देर के लिए वीडियो को कर देता हूँ पॉज। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देर मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो हो सके, हो जितना हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। ओके, तो वीडियो को करते हैं पॉज, पर आप मत कीजिएगा पॉज, अभी और है करना बाकी एक्सरसाइज। तो हमारा तैयार हो गया सेट, अब हम शुरू करते हैं। अगला है डायमंड पुशअप। डायमंड बना लिए, 25 रेप, एक तो यहाँ पर हमारा ट्राइसेप का एक जॉइंट सेट कंप्लीट हुआ। सांस फूलेगी भाई, एक्सरसाइज करेंगे तो सांस फूलेगी, ठीक है। ओके, 30 सेकंड का रेस्ट करते हैं, दोबारा से कैमरे को अपनी जगह पर रखते हैं, तब तक आप रहिए। सेकंड सेट स्टार्ट। डायमंड पुशअप के लिए जगह चेंज करनी पड़ती है, तो कर देते हैं और शुरू करते हैं डायमंड पुशअप।
सेकेंड सेट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम बढ़ेंगे थर्ड सेट की तरफ। तो वापस अपनी जगह कैमरे को सेट कर देते हैं। देख सकते हैं बाजू ट्राइस से पूरा पंप हो गया है। तो बढ़ते हैं अपने हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। वही डायमंड पुशअप के लिए बनाते हैं जगह, करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं पूरा बॉडी पंप हो गया है, बाइसेप का साइज भी इंक्रीज हो गया है, ट्राइसेप भी पूरी तरह हो गया है। तो अभी हम करेंगे बाइसेप का सुपर सेट, उसमें करेंगे पीचर कर्ल के साथ हमारा कंसंट्रेशन कर्ल। इसके भी तीन सेट करेंगे, तो उसके लिए हमको पहले करना पड़ेगा कैमरे को सेट। तो कैमरे को सेट करने के लिए आपको होना पड़ेगा, वीडियो को करना पड़ेगा पोज। ओके पोज करते हैं। अब इसके साथ हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन कर्ल। तो उसके लिए हम हमारा आइडियल वेट जो है ले लेते हैं, लेने के बाद उसको करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा बाइसेप का सुपर सेट कंप्लीट हुआ एक। इसके अंदर हमने रिपीटेशन रखा है वही 15, 12 और 10। आइडियल वेट के साथ आइडियल रेप को अचीव कीजिए, आपका बॉडी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो अभी हर एक के बीच में आपको बता दिया है 30 सेकंड का रेस्ट लेना है सेकंड सेट के लिए। मैं वीडियो को स्किप कर वहाँ पर ले चलता हूँ। तो सेकेंड सेट अभी कॉन्सेंट्रेशन कर।
दो सेट कंप्लीट हो गया। अभी देखिए सांस फूलना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि बॉडी को हैबिट हो गई कि हम हमारा स्ट्रीम लेवल तक क्या है और कैलोरी बर्न हो रही है धीरे धीरे। ओके चलिए अभी हमारे तीसरे सेट की तरफ चलते हैं। तीसरा सेट, यहाँ पर हमारा बाइसेप का जो है सुपर सेट पूरा होता है। अब हम फिर ट्राइसेप पर आते हैं, ट्राइसेप का करेंगे जॉइंट सेट। तो जॉइंट सेट में आपको पता ही है तीन एक्सरसाइज है, तीन एक्सरसाइज का मिक्सअप कर हम हमारे गोल को अचीव कर रहे हैं। बन गया ना, आपका भी बन जाएगा। ओके तो मैं सेटअप कर लेता हूँ, सेटअप करने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ट्राइसेप का मैंने सेट तैयार कर लिया, जॉइंट सेट। आप देखो उसके फॉर्म को बढ़िया बेहतरीन तरीके से करना है। ओके ठीक है, पोस्चर ये, एक दो तीन चार, यहां पर हमारा ट्राइसेप का जॉइंट सेट एक पूरा हुआ। मैंने इसमें रेपिटेशन रखे हैं 12 12, मतलब कि तीनों एक्सरसाइज में 12 12 12। कोशिश कर रहे हैं और बेहतर बनने की। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आप किसी प्रकार का स्टेरॉइड या फिर क्रिएटिन या फिर ऐसे कोई सप्लीमेंट की तरफ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे लोग कुछ भी सप्लीमेंट नहीं लेते थे, फिर भी बॉडी बनाते थे ना, और वो भी घर के खाने से। तो आप बेफिक्र रहिए, किसी प्रकार का प्रोटीन क्रिएटिन ग्लूटामाइन बॉडी रिकवरी ये वो कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बेहतर गाइडलाइन के साथ अपने घर का खाना, यानी कि अच्छा शुद्ध खाना प्लस पूरा रेस्ट, और आपका बॉडी बन जाएगा। यही हम करते हैं, यही आप कीजिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एक बात है, वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो। तो डोंट बी, क्या करना है, स्कीप नहीं करना है, यानी कि क्विट नहीं करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। लगे रहने से एक दिन सक्सेस हो जाओगे। तो बिना किसी बकवास के दोबारा से हमारा शुरू करते हैं सेट। तो कैमरे को अपनी जगह सेट करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ और पूरा सेट भी कर रहा हूँ, तो आपको भी वही करते रहना है। ज़्यादा इसमें रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। देखिए रेस्ट जब हम करेंगे, जब हमारा वेट जो है हेवी होता जाएगा, लाइट वेट या फिर अपने आइडियल वेट पे अगर कर रहे हैं, तो आपको 30 से 40 सेकेंड का रेस्ट बहुत है। बट अगर आप पावर लिफ्टिंग या फिर उस किस प्रकार की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 1 से 3 मिनट तक का रेस्ट करना आवश्यक है, क्योंकि आप अपने एक स्ट्रीम लेवल को अचीव करने के बाद दोबारा से ट्राई करेंगे। तो 30 सेकेंड हो चुके हैं, हम हमारा तीसरा सेट शुरू करते हैं। रेपिटेशन वही रखेंगे और लगता है ना 16 का डोला आपका ही बन जाएगा। गिव अप नहीं करना है। देखिए मैंने वेट को जो है आइडियल रखा, मैंने वेट को इंक्रीज़ नहीं किया है, बट मैंने वेट इंक्रीज़ नहीं करने के कारण मैंने अपने रेपिटेशन में भी कटौती नहीं की है। तो ऐसा आपको भी करना है, रेपिटेशन कम नहीं करना है, रेपिटेशन कम नहीं करना है अगर आप वेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आप उसके साथ अगर वेट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, रेपिटेशन डाउन में जाओगे, तो आपका मसल्स जो है, आपको जो गोल आपको अचीव करना है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको जो है, अगर वेट अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो रेपिटेशन जो आपने फर्स्ट में रखा है, हो सके उतनी भी मतलब पूरा दम लगाओ। स्पोर्ट्स तो भाई, स्पोर्ट्स गेम ही एक ऐसा है जिसके अंदर आपको आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको किसकी आवश्यकता है, स्टेमिना की। और स्टेमिना कब बिल्ड होता है, जब आप गिव अप नहीं करते हो। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर कोई चांस नहीं है। इसलिए बोलता हूँ, वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो। अगर आपने एक बार अपने गोल को अचीव किया है, तो आप फिर भी कर सकते हो। अभी इस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं, अभी हमारा जो है फिर से आ गया बाइसेप। बाइसेप के हम क्या करेंगे, अभी हमारा बचा है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल के साथ हम करेंगे फोरआर्म को ट्रेन। किस प्रकार से करेंगे आप देखिए, और देखिए फॉर्म को करेक्ट रखना है, फॉर्म में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। देखिए आप बहुत वेट पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं या बहुत वेट उठा रहे हैं, कम उठा रहे हैं, रेपिटेशन ज़्यादा, हमारे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप अपने आइडियल वेट के साथ आइडियल रेप को अचीव करते हुए सही डायरेक्शन प्लस सही फॉर्म में एक्सरसाइज को करने से ही आपको बेटर और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए तो कोच हायर करते हैं ना, अदरवाइज कोच क्यों हायर करेंगे। तो आपको किसी कोच को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, आप हैं और हमारा जिम है। तो डोंट बी फॉरगेट, अभी वीडियो में यहाँ तक आप बने हुए हैं, तो हमारे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं, करते हैं और बॉडी बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले अपना सेट, तो आपको करता हूँ स्किप। तो बने रहिए वीडियो में। कैमरा कर दिया है सेट और हम शुरू करते हैं हैमर कर्ल।
आ गया हमारा बायस। अब आप देखिए फोर आर्म को आप ऐसे भी ट्रेंड कर सकते हैं। वेंस को देखिए, पूरा वेंस मेरी पूरी तरह से बाहर आ गई है और ट्राइसेप को भी देख सकते हैं हमने पूरा ट्रेंड कर लिया है। तो दोस्तों बस आपको लगे रहना है, अगर आप लगे रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो, डोंट बी अ गिव अप, चाहे आप कोई भी एज में हो, एज जस्ट अ नंबर, ठीक है। ये सुनने में जितना आसान है करने में उतने उससे भी ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पर अगर किसी भारी बीमारी से ग्रसित हो तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, उसको अपने डॉक्टर की सलाह एवं अपने चिकित्सक के परामर्श के ऊपर ही करना है, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छा फिजिक्स चाहते हो तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज में करना है। इसकी कोई गोली नहीं आती है कि आपने खा लिया और आप बन गई, ये तो आपको जिम में आके या फिर ग्राउंड में जाके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड सेट शुरू करते हैं। इस सेट में मैं वेट भी इंक्रीज कर रहा हूँ पर फोर आर्म में इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बाइसेप पीक हो चुका है, फोर आर्म भी अच्छी तरह ट्रेन हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, सही फॉर्म और सही डायरेक्शन और सही एक्सरसाइज से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो में जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से आप कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कम करने के लिए भी मैंने वेट लॉस का प्लान बना रखा है, आप उसको डाइट को फॉलो कीजिए, आपका वन मंथ के अंदर 5 kg कम हो जाएगा। तो बिना किसी बकवास के हम हमारे साइड की तरफ चलते हैं, ओके लेट गेट स्टार्टेड।
तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से तो दोस्तों आपने देखा हमने कितनी आसानी से और कितना बेहतर वर्कआउट किया है। आप मेरा स्वेटिंग और देख सकते हैं, इस वर्कआउट को अचीव करने पर आपको 1000 कैलोरी बर्न होगी डेफिनेटली पर डे। वो भी आपको पर डे नहीं करना है, जो हमने बनाया है प्लान उसी के मुताबिक। जैसे फर्स्ट में चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, जिसका मैंने वर्कआउट प्लान बना रखा है आई बटन में, मैं उसको लिंक दे दूंगा, पहले आप वो कीजिए। मंडे को, ट्यूसडे को आपको बैक, बाइसेप, ट्रैप्स करना है, उसका भी मैंने बना रखा है। अभी थर्ड डे को आप लेग्स कीजिएगा, लेग्स का भी वर्कआउट बाकी है, लेग्स प्लस एब्स, तो उसका भी मैं अभी जल्द से जल्द बना देंगे उसका वीडियो, तो आपको वो करना है। उसके बाद देन वेनसडे को आपने वो कर लिया, थर्सडे को, गुरुवार को दोबारा से चेस्ट, चेस्ट, शोल्डर एवं ट्राइसेप, उसके बाद बैक, बाइसेप, ट्रैप्स, और शनिवार, जैसे यहाँ शनिवार है, सैटरडे है, तो सैटरडे को मैंने बैक, बाइसेप एक साथ किया है, क्योंकि ये छोटा मसल्स है, इसके अंदर आपको जल्दी से अपना गोल अचीव कर देते हैं, और बाकी देखने से भी, अरे यार इतने बड़े डोले हैं, तो भाई एक्सरसाइज करोगे तो डोले बनेंगे डेफिनेटली। अभी हम क्या करते हैं, टी शर्ट उतारते हैं, बॉडी कंडीशन दिखाते हैं कितना क्या हुआ है, उसके बाद बात करते हैं आगे। अभी आप देख सकते हैं जब शुरुआत में आए थे, अभी ट्राइसेप भी पूरा पंप हो गया है, बाइसेप भी पूरा पंप हो गया है। पूरा फंस गया भाई, पूरा फंस गया है। तो अब आप देख सकते हैं ट्राइसेप की कंडीशन, और ये हमारा बाइसेप, देखिए बाइसेप पूरा पूरा तरह से पीक बन चुका है, और बॉडी कंडीशन आपको पता ही है, तो हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।